गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हम लोगों ने संस्कृत में वर्णमाला पढ़ा। आज क्या पढ़ेंगे? कारक और विभक्ति। तो सबसे पहले बता दें कौन कौन सा क्लास है। कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, विषय संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण में आज हम सबसे पहले कारक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कारक। तो आप बताइए, कारक किसे कहते हैं? पढ़ाया गया था, लिखाया गया था, याद भी होगा। अगर याद है तो बताइए, नहीं याद है तो यहाँ लिखा गया है, देखिए पढ़िए और याद करिए। क्रिया से, किससे? क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले। किससे? क्रिया से। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले तथा विभक्ति से युक्त पदों को कारक कहते हैं। कारक किसको कहते हैं? क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त पदों को। पद माने जानते हैं शब्द को। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक कितना होता है? 7। कारक की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। यहाँ दिया भी गया है कारकों की संख्या। संस्कृत में कारकों की संख्या 7 होती है या होता है। संस्कृत में कारक की संख्या कितना होता है? 7 होता है। फिर आगे देखिए, विभक्ति। विभक्ति किसे कहते हैं? जिन वर्ण संकेत के, किसके? जिन वर्ण संकेत के माध्यम से शब्दों के कारक ज्ञात किए जाते हैं। जिन वर्ण संकेत के माध्यम से, किसके? अक्षरों की सहायता से शब्दों का क्या किया जाता है? कारक ज्ञात किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उन्हें विभक्ति कहते हैं। ये 7 होती है। कारक भी 7 होता है और विभक्ति भी आपकी 7 होती है। वैसे कुछ लोग 6 ही मानते हैं, संबोधन को नहीं मानते। चलिए अब यहाँ आपको विभक्ति, कारक, चिन्ह। विभक्ति क्या है ये बताया गया, कारक क्या है ये भी बताया गया। अब आप चिन्ह के बारे में जानिए। कारक या विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, कैसे होता है, उसको ध्यान से देखें। तो यहाँ विभक्ति है, यहाँ कारक है, यहाँ चिन्ह है। तो प्रथमा विभक्ति, सबसे पहले हम प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। कौन सा होगा? कर्ता कारक। इसका चिन्ह क्या है? ने। इसका चिन्ह क्या है? ने। तो यहाँ देखिए, प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक, चिन्ह ने दिया गया है, इसको आप भी याद कर लें। दूसरा क्या है? द्वितीया। कौन सा है? द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति का कारक क्या है? कर्म। क्या है? कर्म। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। क्या है? को। यहाँ देखिए, द्वितीया विभक्ति, कर्म कारक, चिन्ह को। फिर तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति करण कारक, चिन्ह क्या है? से।
ये तीन आपको बताया गया, चार कल बताएंगे। इसको याद करें, नोटबुक में लिखें। थैंक यू बच्चों।